कहानी गुजरे जमाने के मशहूर कलाकार देवेंद्र वर्मा की, जिन्होंने 70 और 80 के दशक की फिल्मों में अपनी कॉमेडी से जान डाल दी थी। देवेंद्र वर्मा का असली नाम देवेंदु वर्मा था, जिसे उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही बदल कर देवेंद्र कर लिया था। आपको बता दें कि देवेंद्र वर्मा के पिता बलदेव सिंह वर्मा अपने जमाने के जाने माने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। देवेंद्र वर्मा के पिता बलदेव सिंह वर्मा का पहले चांदी का बिजनेस था, लेकिन बाद में वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखने लगे। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद जब देवेंद्र वर्मा ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो नाटकों में दिलचस्पी लेने लगे। कॉलेज में वो नाटकों में और यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेते थे। यहीं से देवेंद्र वर्मा को एक्टिंग का चस्का लग गया था। देवेंद्र वर्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1937 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता का चांदी का बिजनेस था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हाथ में ले लिया था। देवेंद्र कॉलेज की पढ़ाई के दौरान स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे थे। वो मिमिक्री बहुत शानदार करते थे। शायद उस वक्त देवेंद्र ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ऐसी ही एक परफॉर्मेंस उनके अभिनय के रास्ते खोल देगी। दरअसल एक शो के दौरान बीआर चोपड़ा को उनका काम पसंद आ गया था और उन्होंने देवेंद्र को धर्मपुत्र के लिए साइन कर लिया था। एक महीना काम करने के लिए उन्हें 600 रुपए मिले थे। देवेंद्र वर्मा की पढ़ाई लिखाई पुणे में ही हुई थी। खबरों की माने तो देवेंद्र वर्मा को बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो लॉ करे। इसी कश्मकश में देवेंद्र ने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन वकालत की पढ़ाई से जल्दी ही उनका मन उचट गया। बताते हैं कि देवेंद्र जी थिएटर करते थे और वो अक्सर स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते थे। धीरे धीरे समय बीता और 1961 में देवेंद्र जी की मुलाकात हुई अपने समय की मशहूर फिल्म मेकर बीआर चोपड़ा से। चोपड़ा साहब उन दिनों फिल्म धर्मपुत्र बनाने वाले थे, जिसे उनके भाई यश चोपड़ा ही डायरेक्ट कर रहे थे। बीआर चोपड़ा को देवेंद्र वर्मा जम गए, यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन देवेंद्र की किस्मत खुल गई। 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम देवेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद उनके लिए फिल्मों की छड़ी लग गई। इंडस्ट्री में देवेंद्र के स्वभाव के बारे में एक बात सभी जानते थे कि वो ना नहीं कर पाते थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक साथ 16 फिल्में साइन कर ली थी। इन फिल्मों के अलावा जिस फिल्म में देवेंद्र को हर किसी का पसंदीदा बना दिया था, वो थी गुलजार की बनाई गई अंगूर। इस फिल्म में देवेंद्र संजीव कुमार के नौकर बहादुर के डबल किरदार में नजर आए थे। उन्होंने एक ऐसे नौकर का किरदार निभाया था जो मालिक को ही अपना भगवान मानता है और उसकी कही बातें ही मानता है। पर्दे पर इस किरदार को देवेंद्र ने इस खूबसूरती से निभाया कि उनकी मासूमियत पर लोग दिल हार गए और हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इसके बाद देवेंद्र वर्मा ने देवर, अनुपम, चोर के घर चोर, बेशरम, भोला भाला, लोक पर लोक और गोलमाल जैसी कई फिल्में की। 70 के दशक में देवेंद्र वर्मा बॉलीवुड के इकलौते ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी काफी डिमांड थी। देवेंद्र वर्मा ने 3 फिल्मफेयर अवार्ड चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर और अंगूर के लिए जीते थे। हालांकि ये अवार्ड उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रह पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार उनकी पत्नी को कुछ तकलीफ हुई और वो डॉक्टर के कहने पर कुछ समय के लिए चेन्नई रहने चले गए। 2 साल बाद जब घर लौटे तो उनका वो बैग हो गया जिसमें ये अवार्ड रखे थे। निजी जिंदगी की बात करें तो देवेंद्र वर्मा ने अशोक कुमार की बेटी रूपा से शादी की थी। देवेंद्र ने लगभग 47 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। अपने ससुर अशोक कुमार के निधन के बाद वो रिटायर हुए। वो आखिरी बार फिल्म मेरी यार की शादी है में नजर आए थे। वो एक बेहतरीन हास्य अभिनेता तो थे ही, उन्हें फिल्में बनाने में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने 8 फिल्में बनाई थी जिसमें बड़ा कबूतर, बेशरम जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन आपको हम इनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। दरअसल एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग करते थे देवेंद्र वर्मा। उसूलों पर आई बात तो छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सिद्धांतों और उसूलों के लिए करियर और बाकी चीजों को भी दाव पर लगा देते हैं। एक्टर देवेंद्र वर्मा ऐसे ही थे। अंगूर, गोलमाल, खट्टा मीठा, चोर के घर चोर, चोरी मेरा काम, कोरा कागज और बहारें फिर आएंगी जैसी कई फिल्मों में नजर आए देवेंद्र वर्मा की कॉमेडी का कोई जवाब नहीं था। कॉमेडियन के साथ साथ देवेंद्र वर्मा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहे। 23 अक्टूबर 1937 में जन्मे देवेंद्र वर्मा के पिता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन उन्होंने फिल्मों में अपने दम पर पहचान बनाई। अपने पूरे करियर में देवेंद्र वर्मा ने रोल के साथ कभी भी समझौता नहीं किया और ना ही अपने उसूलों के साथ। वो जिंदगी भर फूहड़ कॉमेडी और दियरथी कॉमेडी से दूर थे। समझौता ना करना पड़े इसीलिए देवेंद्र वर्मा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था।
या यूं कह लीजिए कि उन्होंने उसूलों के लिए अपना करियर ही छोड़ दिया था। देवेन वर्मा ने 1961 में फिल्मी पारी की शुरुआत की, लेकिन धर्मपुत्र बुरी तरह फ्लॉप रही। लेकिन इसके बाद आई फिल्म गुमराह में देवेन वर्मा को काफी पसंद किया गया। इसमें वो कॉमिक रोल में थे। देवेन वर्मा की कॉमेडी लोगों को पसंद आने लगी और वो इसी तरह फिल्में करने लगे। साल 1975 में आई फिल्म चोरी मेरा काम से देवेन वर्मा को सही मायने में स्टारडम मिला। इसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता और फिल्म के ऑफर्स की भी लाइन लग गई। ऐसा भी वक्त आया जब देवेन वर्मा एक साथ 16 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। देवेन वर्मा ने 2003 में फिल्मों को अलविदा कह दिया था। इसकी वजह बताते हुए देवेन वर्मा ने कहा था कि जब वो अपनी आखिरी फिल्म कर रहे थे तो इंडस्ट्री ने नया पॉप कल्चर और स्टाइल आ गया था जिसका वो हिस्सा नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब सेट पर कम उम्र के बच्चे आकर उनसे कहते थे कि चलिए साहब आपको बुला रहे हैं। देवेन वर्मा ने कहा था कि सेट पर उनके जमाने में लोग काफी तहजीब और सलीके से पेश आते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में एटीट्यूड बहुत है क्योंकि वो उसे बदल नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने खुद ही इससे किनारा कर लिया था। देवेन वर्मा ने 42 साल तक बॉलीवुड में काम किया और बाद में एक्टिंग से खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। एक इंटरव्यू के दौरान देवेन ने एक्टिंग से किनारा करने की वजह बदलती तहजीब को बताया था। देवेन ने एक्टिंग से तो किनारा कर लिया था लेकिन फिल्मों से अपना जुड़ाव कम नहीं कर पाए थे। इसी वजह से देवेन ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया। देवेन वर्मा ने कई हिट फिल्मों जैसे अंगूर, अंदाज, अपना अपना, खट्टा मीठा सहित कई रीजनल फिल्मों में काम किया। वहीं देवेन वर्मा ने साल 1971 में फिल्म नादान में बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में नई पारी खेली। बता दें कि देवेन ने 5 फिल्में प्रोड्यूस की है और 4 फिल्में डायरेक्ट की है। वहीं उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो देवेन वर्मा ने फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चोरी मेरा काम, 1975 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अंगूर, 1982 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता चोर के घर चोरी और साल 1979 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, जिस मूवी का नाम जुदाई था जो 1980 में आई। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2014 को देवेन का दिल का दौरा पड़ने और किडनी फेल होने से निधन हो गया। हालांकि अपनी फिल्मों और अभिनय के बूते पर वे आज भी फैंस के बीच में जिंदा हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि देवेन जी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा और इनकी अंगूर के अंदर की गई अदाकारी को भला आखिर कौन ही भुला सकता है। ये हमेशा हमारे बीच रहे ना रहे लेकिन इनकी अदाकारी और इनके हंसने का तरीका हमेशा हमारे बीच रहेगा। इन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया कि अपने उसूलों पर जीना ही असली जिंदगी जीना कहलाता है। उम्मीद है ये सीख और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।